नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके आर्क उत्पन्न किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में विद्युत धारा की सप्लाई के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे हम वेल्डिंग मशीन कहते हैं। वेल्डिंग मशीन मुख्य रूप से तीन कार्य करती है। आर्क वेल्डिंग के लिए आवश्यक एसी या डीसी धारा की सप्लाई करती है। मुख्य सप्लाई के हाई वोल्टेज को आर्क वेल्डिंग के लिए उपयुक्त लो वोल्टेज में परिवर्तित करती है एवं आर्क वेल्डिंग के लिए आवश्यक धारा की मात्रा को एडजस्ट एवं नियंत्रित करती है। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में विद्युत धारा की सप्लाई के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार की वेल्डिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है, एसी वेल्डिंग मशीन, डीसी वेल्डिंग मशीन एवं एसी डीसी रेक्टिफायर सेट। सबसे पहले बात करते हैं एसी वेल्डिंग मशीन की। जब आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क उत्पन्न करने के लिए एसी करंट का प्रयोग किया जाता है तो उसे एसी वेल्डिंग कहते हैं। एसी वेल्डिंग प्रक्रिया में धारा की सप्लाई के लिए एसी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान रखें कि वेल्डिंग के लिए कम वोल्टेज एवं अधिक धारा की आवश्यकता होती है। हमारे घरों या उद्योगों में पावर सप्लाई जो की जाती है उसका वोल्टेज अधिक एवं धारा कम होती है। इस अधिक वोल्टेज एवं कम धारा को कम वोल्टेज तथा अधिक धारा में बदलने का कार्य एसी वेल्डिंग मशीन द्वारा किया जाता है। इसके लिए एसी वेल्डिंग मशीन में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है जो कि मेन सप्लाई के 220 वोल्ट या 440 वोल्ट को 40 वोल्ट एवं 100 वोल्ट की वेल्डिंग सप्लाई में बदल देता है एवं इसके साथ ही यह करंट को 100 एम्पियर या 1000 एम्पियर की हाई करंट में भी परिवर्तित करता है। एसी ट्रांसफार्मर या एसी वेल्डिंग मशीन सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों प्रकार की सप्लाई के लिए बनाए जाते हैं। सिंगल फेज हल्के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं एवं थ्री फेज भारी कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। एसी वेल्डिंग मशीन एयर कूल्ड एवं ऑयल कूल्ड दोनों प्रकार की होती है। एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन में एक फैन के द्वारा हवा ट्रांसफार्मर की कॉइल तक पहुंचाई जाती है जो कि कॉइल को ठंडा रखती है। ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में एक विशेष प्रकार के ऑयल का प्रयोग किया जाता है जिसे ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। ट्रांसफार्मर की कॉइल इस ऑयल में पूरी तरह से डूबी रहती है एवं इस प्रकार से कॉइल ठंडी रहती है। एसी वेल्डिंग के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं। एसी वेल्डिंग मशीन डीसी वेल्डिंग मशीन की तुलना में सस्ती होती है एवं इनका रखरखाव भी कम खर्चीला होता है। एसी आर्क वेल्डिंग में धारा की पोलैरिटी बदलती रहती है इसलिए इसमें आर्क ब्लो का दोष नहीं आता है। वेल्डिंग करते समय आर्क का अपने नियत स्थान से हट जाना आर्क ब्लो कहलाता है। एसी वेल्डिंग मशीन कम शोर करती है। सस्ती होने, कम मेंटेनेंस होने एवं प्रयोग में आसान होने से सामान्यतः इन मशीनों का प्रयोग ही वेल्डरों द्वारा किया जाता है। एसी वेल्डिंग की कुछ हानियां भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। एसी वेल्डिंग में स्पैटर अधिक बनता है। एसी वेल्डिंग में धारा की पोलैरिटी लगातार बदलते रहने से आर्क अस्थिर होता है। इसके द्वारा अलौह धातुओं की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। एसी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की परत होना आवश्यक होता है। एसी वेल्डिंग में करंट लगने का खतरा अधिक होता है। आइए अब डीसी वेल्डिंग मशीन के बारे में जानते हैं। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क उत्पन्न करने के लिए जब डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है तो उसे डीसी वेल्डिंग कहते हैं। डीसी वेल्डिंग प्रक्रिया में करंट की सप्लाई के लिए डीसी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि डीसी करंट की पोलैरिटी स्थिर रहती है इसलिए डीसी वेल्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड एवं आर्क भी स्थिर रहता है। डीसी वेल्डिंग मशीन में करंट धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। डीसी आर्क वेल्डिंग के निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसमें स्पैटर का निर्माण कम होता है। इससे उत्पन्न आर्क अधिक स्थिर होता है। ऋणात्मक डीसी धारा में धातु अधिक गति से पिघलती है एवं धनात्मक एसी धारा अधिक पेनिट्रेशन प्रदान करती है। डीसी वेल्डिंग का प्रयोग लौह एवं अलौह दोनों प्रकार की धातुओं की वेल्डिंग में किया जाता है। डीसी वेल्डिंग में बिना कोटिंग के इलेक्ट्रोड भी प्रयोग किए जा सकते हैं। बिजली की सप्लाई ना होने पर भी डीजल जनरेटर की सहायता से डीसी वेल्डिंग की जा सकती है। डीसी वेल्डिंग में करंट लगने का खतरा कम होता है एवं डीसी वेल्डिंग मशीन का जीवन काल अधिक होता है। डीसी वेल्डिंग की कुछ हानियां भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी एक समान रहने के कारण आर्क ब्लो का दोष उत्पन्न होता है जिसके कारण आर्क एक दिशा में बहती है। डीसी जनरेटर सेट महंगे होते हैं। इनके रखरखाव एवं प्रयोग करने पर अधिक खर्च होता है। यह अधिक शोर करते हैं। डीसी वेल्डिंग मशीन में घूमने वाले पार्ट अधिक होते हैं जो कि शीघ्र ही घिस जाते हैं। डीसी वेल्डिंग के लिए
अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। आइए अब हम एसीडीसी रेक्टिफायर सेट के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग मशीन द्वारा एसी करंट एवं डीसी करंट दोनों का प्रयोग करके वेल्डिंग कर सकते हैं। रेक्टिफायर सेट का प्रमुख कार्य होता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करना। एसीडीसी रेक्टिफायर सेट में एसी वेल्डिंग मशीन एवं डीसी वेल्डिंग मशीन दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। इसकी लागत साधारण एसी मशीन से अधिक होती है, परंतु अपने लचीलेपन के कारण यह अधिक उपयोगी होती है। तो यह कुछ प्रमुख जानकारी थी वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली वेल्डिंग मशीन के बारे में। अगले वीडियो में हम आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यहाँ पर जो और वीडियोस की लिंक दी हुई हैं, इनको भी आप जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।